There is an apple dash the desk. Apple kaha hai? Under the desk. So we will write under here. Second. Subscribe my channel for more educational videos and hit the bell icon to get the notification. Hello everyone, welcome to my channel. So in today's class, we will study about prepositions. प्री पोजिशंस आप क्या समझते हैं प्रीपोजिशन से अगर हम इस वर्ड को सेपरेटली रीड करेंगे विच मीन्स प्री एंड पोजिशन सो प्री मीन्स पहले एंड पोजिशन मीन्स जगह तो हम क्या बोल सकते हैं द वर्ड विच शोज द पोजिशन ऑफ अ नाउन इज कॉल्ड अ प्रीपोजिशन उसको हम क्या बोलते हैं प्रीपोजिशन हम बोल सकते हैं मतलब ऐसा वर्ड जो नाउन की पोजीशन बताए उसको हम प्रीपोजिशन बोलते हैं राइट right? अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं देखिए ये कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे इसमें हम बॉल की पोजीशन बता रहे हैं बॉल क्या है एक थिंग है इट इज़ अ नाउन बॉल की हम पोजीशन बता रहे हैं कि बॉल कहाँ है अब फर्स्ट अगर हम बॉक्स देखें तो बॉक्स के पीछे है राइट right? पीछे पीछे को हम क्या बोलते हैं बिहाइंड नेक्स्ट इज इन फ्रंट ऑफ मीन्स कोई चीज़ सामने होती है तो हम उसको बोलते हैं इन फ्रंट ऑफ नेक्स्ट है नेक्स्ट टू इन दोनों में क्या कन्फ्यूजन है इन फ्रंट ऑफ में क्या होता है जो ऑब्जेक्ट है वो टच नहीं हो रहा होता है एंड नेक्स्ट टू में वो टच होगा तो उसको हम नेक्स्ट टू बोलते हैं मीन्स बॉल अगर बॉक्स से टच हो रही है तो वो नेक्स्ट टू है एंड अगर वो थोड़ा सा गैप देखे मीन्स थोड़ी सी दूर है तो हम उसको बोलेंगे इन फ्रंट ऑफ मैंने ये इसलिए बताया बिकॉज़ इन दोनों जो प्रीपोजिशंस हैं इनमें मैक्सिमम बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है नेक्स्ट हम देखते हैं बिटवीन बिटवीन मीन्स बीच में नियर नियर मीन्स पास में अगर कोई चीज़ पास में है हम उसको बोलते हैं नियर अबव ऊपर जो मतलब ऊपर है वो टच नहीं हो रही है ऊपर है बिलो बिलो मीन्स नीचे है बट टच नहीं हो रही है इन मीन्स अंदर ऑन मीन्स ऊपर ऑन और अबव में आप डिफरेंस देखेंगे ऑन में जो ऑब्जेक्ट है वो टच हो रहा है एंड अबव में नहीं हो रहा है नाउ वी विल डू अ वर्कशीट सो लेट्स रीड द फर्स्ट क्वेश्चन नाउ इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू चूज द राइट प्रिपोजिशन सी फर्स्ट इमेज क्या है एप्पल की हमें पोजीशन बतानी है एप्पल कहाँ है इज इट अंडर बिहाइंड और नेक्स्ट टू तो आप बताइए एप्पल कहाँ है ये टेंट टाइप कुछ बना हुआ है तो एप्पल कहाँ है उसके नीचे है नीचे को हम क्या बोलते हैं अंडर सो राइट प्रपोजिशन इज अंडर नेक्स्ट देखेंगे एक बॉय खड़ा है बॉक्स के पीछे पीछे को हम क्या बोलते हैं बिहाइंड राइट नेक्स्ट देखिए जो गर्ल है वो कहाँ है इन इन तो नहीं है इन मतलब अंदर ऑन मतलब ऊपर ऊपर भी नहीं है सो राइट ऑप्शन ऑप्शन इज इन फ्रंट ऑफ कहाँ है इन फ्रंट ऑफ शूज शूज कहाँ पर है नीचे है टेबल के तो नीचे को हम बोलते हैं शूज आर अंडर द टेबल तो अंडर को हम टिक करेंगे नाउ लेट सी द नेक्स्ट वन गर्ल इज सिटिंग नेक्स्ट टू द बेंच बेंच से वो टच होके बैठी है ना तो हम लिखेंगे नेक्स्ट टू ना नेक्स्ट कैट इज ऑन द चेयर चेयर के ऊपर है तो हम क्या बोलते हैं ऑन नेक्स्ट बॉल या आप प्लांट की पोजिशन आप बता सकते हैं वो कहा है एक दूसरे के सामने है ना सामने को क्या बोलते हैं हम इन फ्रंट ऑफ जैसे हम इसमें क्या बोलेंगे बॉल इज इन फ्रंट ऑफ द प्लांट सो करेक्ट ऑप्शन इज इन फ्रंट ऑफ नेक्स्ट वन जिराफ इज बिहाइंड द बास्केट बास्केट के पीछे है हम उसको बोलेंगे बिहाइंड अब देखेंगे कैट इज कैट कहाँ है ट्री से टच हो रही है आई थिंक तो हम इसको क्या बोलेंगे नेक्स्ट टू कैट इज नेक्स्ट टू द ट्री अगर आपको कुछ और फील हो रहा है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आप नेक्स्ट देखेंगे अब गर्ल क्या कर रही है बुक रीड कर रही है तो हम उसको कैसे बोलेंगे ऑन बिहाइंड या नेक्स्ट टू कैसे बोलेंगे गर्ल इज बिहाइंड क्योंकि बुक के कहाँ है पीछे तो हम क्या बोलेंगे उसको बिहाइंड इसमें आप देखिए कैट की पोजिशन कहाँ पर है कैट इज इन फ्रंट ऑफ इन या फिर ऑन क्या बोलेंगे हम इसको ऑन क्योंकि कैट कहाँ है ऑन उसके ऊपर है ना विंडो पे तो हम बोलेंगे ऑन द विंडो नेक्स्ट माउस माउस कहा है चेयर के नीचे है नीचे को हम बोलते हैं अंडर माउस इज अंडर द बेंच नाउ लेट्स वीड क्वेश्चन नंबर टू इसमें हमें क्या करना है लुक एट द पिक्चर्स रीड एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन आपको देखना है कैट की पोजीशन या किसी नाउन की पोजीशन कहाँ है वो आपको राइट right करना है फर्स्ट देखते हैं द कैट इज डैश द बॉक्स कैट कहाँ है आप देखेंगे बॉक्स उल्टा है वो उसके नीचे है ना तो उसको हम बोलेंगे अंडर क्या बोलेंगे सेंटेंस क्या बन जाएगा द कैट इज अंडर द बॉक्स नेक्स्ट वन

बॉक्स के पीछे है कैट तो पीछे के लिए प्रपोजिशन क्या होती है बिहाइंड नेक्स्ट द बर्ड इज डैश द बॉक्स बर्ड कहाँ है ऑन द बॉक्स नेक्स्ट वन द कैट इज डैश द बॉक्स बॉक्स से कैट टच हो रही है तो हम यहाँ क्या लिखते हैं नेक्स्ट टू नाउ वी विल डू थर्ड क्वेश्चन अब इसमें आपको क्या करना है पोजिशंस बतानी है बट ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट है जैसे कि आप फर्स्ट सेंटेंस रीड करेंगे देयर इज एन एप्पल डैश द डेस्ट आपको ऑप्शन दिए गए हैं ऑन अंडर बिहाइंड नेक्स्ट टू बिटवीन सो नाओ रीड द फर्स्ट सेंटेंस देयर इज एन एप्पल डैश द डेस्क एप्पल कहाँ है अंडर द डेस्क सो वी विल राइट अंडर हेयर सेकेंड सेंटेंस देयर इज अ ब्लू स्कूल बैग डैश द डेस्क ब्लू स्कूल बैग कहाँ है बिहाइंड द डेस्क डेस्क के पीछे है सो वी विल राइट बिहाइंड रीड आउट द थर्ड सेंटेंस There is a green ruler dash the books. आप देखिए green ruler कहाँ रखा है books के बीच में रखा है तो बीच को हम क्या बोलते हैं between. There are many pencils dash the desk. Pencils आप देखिए कहाँ रखी है desk के ऊपर रखी है so we will write on the desk. There is a pink pencil case dash the green book. Pink color का pencil case जो है वो कहाँ रखा है Next to the green book. Green book के साथ ही रखा है उसको हम बोलेंगे next to. तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही आपको आज की क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में